नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम आपके लिए काले तिल की बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेकर आए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको काले तिल के कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिन्हें करने से आपकी जिंदगी ही बदल जाएगी। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए हर रोज लाते रहते हैं ऐसे ही जबरदस्त वीडियोज जिनसे आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और जी सकते हैं एक सुखमय जीवन। तो अब हम बात करते हैं आज की इस वीडियो के बारे में। दोस्तों काले तिल के कुछ खास उपायों को आजमा कर आप अपनी किस्मत चमका सकते हैं। वर्तमान समय में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें धन की तंगी का सामना करना पड़ा। दोस्तों जो व्यक्ति प्रतिदिन माता लक्ष्मी को वे भगवान विष्णु को याद करता है उसके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता है। माता लक्ष्मी स्वयं अपना आशीर्वाद सदा ही उसके ऊपर बनाकर रखती हैं। माता लक्ष्मी को प्रतिदिन याद करने से ना सिर्फ आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है बल्कि नरक से भी आपको मुक्ति मिलती है, साथ ही धन धान्य की कभी भी कोई कमी नहीं होती है। पड़ रहा है कुछ लोगों को अपनी नौकरी जाने का भय है, ऐसे में काले तिल के कुछ खास उपाय करने से आपको इस संकट से राहत मिल सकती है। अगर आप धन की तंगी से जूझ रहे हैं तो काले तिल काली उड़द को काले कपड़े में बांधकर किसी भी गरीब व्यक्ति को दान कर दें। एक कपड़े में थोड़े से काले तिल और काली उड़द को बांधकर एक पोटली नुमा बना लें और किसी भी गरीब व्यक्ति को इसे दान कर दें। इस उपाय से आपको आपके घर में चल रही जितनी भी पैसे की समस्या है, तंगी है, वह दूर हो जाएगी। इसके अलावा मुट्ठी भर एक काले तिल को परिवार के सभी सदस्यों के सिर पर से 7 बार उतार करके घर के उत्तर दिशा में फेंक दें। अगर आपके घर में कोई भी धन की हानि हो रही है या फिर आपके घर में किसी भी सदस्य की बुरी किस्मत चल रही है या बुरा समय चल रहा है तो वह दूर हो जाएगी और आपकी तरक्की में आने वाले सभी रोड़े हट करके आपके जीवन में आपको कामयाबी मिलेगी। इसके अलावा पीपल के पेड़ में दूध और काले तिल मिला करके चढ़ाएं। इसके लिए आप एक लोटा लेकर उसमें आप थोड़ा सा दूध भर लें और थोड़ा गंगाजल डालकर उसमें मुट्ठी भर या फिर चुटकी भर के आप थोड़े से काले तिल डाल दें और पीपल के ऊपर तिल मिला हुआ दूध चढ़ाएं। ऐसा करने से आपका बुरा समय दूर हो जाएगा और आपके घर में फिर से रौनक छाने लगेगी। पीपल पर दूध चढ़ाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहें। इस मंत्र की कोई जाप संख्या नहीं है, बस आप धीरे धीरे जल को एक धार बांधकर उस दूध को पीपल के पेड़ में चढ़ाते रहें। वह धार टूटनी नहीं चाहिए, लगातार दूध पीपल की जड़ में गिरता रहना चाहिए और जब तक वह लोटा पूरी तरह खाली ना हो जाए तब तक आप इस मंत्र को जपते रहें। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इससे आपके घर में जितनी भी धन संबंधी समस्याएं हैं वे सभी दूर होने लगेंगी। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी। रोजाना तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरें और उसमें थोड़े से काले तिल डालकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय अपने मन ही मन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आप जाप करते रहें। ऐसा करने से आपकी तिजोरी कभी भी खाली नहीं होगी और बरसों पुरानी गरीबी भी दूर हो जाएगी। आपको आपका भाग्य चमकाने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी किस्मत के सितारे जो बिगड़ गए थे वे फिर से चमकने लगेंगे। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में अच्छे प्रदर्शन करने की शक्ति मिलेगी और जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनका काम फिर से पटरी पर आ जाएगा। अगर आप शनि दोष से परेशान हैं या फिर आपको शनि की 7.5 की वजह से काफी नुकसान हो रहा है तो आपके लिए काले तिल का यह उपाय बेहद ही खास होने वाला है। अगर 7.5 है या फिर शनि दोष है तो आप बहते हुए जल में काले तिल प्रभावित कर दें। आप काले तिल का दान भी अवश्य करें। इससे आपको ना सिर्फ शनि दोष में राहत मिलेगी बल्कि राहु केतु और शनि के सभी बुरे प्रभावों से आपको मुक्ति मिल जाएगी।
इसके अलावा आपको अपने पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। काल सर्प योग, साढ़े साथी, ढैया, पितृ दोष आदि में भी आपको यह उपाय सबसे ज्यादा कारगर सिद्ध होता है। अब अंत में आपको बताते हैं बहुत ही खास उपाय। जौ का आप आटा लेकर आए, आटा 1.25 किलो होना चाहिए और इसमें आप 3 चुटकी साबुत काले तिल मिलाकर आटा मल लें और इससे रोटी बना लें। अच्छी प्रकार से सिकी हुई रोटी को अब तिल के तेल से चुपट दें और उसके ऊपर थोड़ी सी गुड़ को रख करके एक पेड़ा बना लें। फिर इस रोटी को बीमार व्यक्ति के सिर पर से 5 या 7 बार उतार लें। अगर आप अपने घर में किसी बुरी किस्मत यानी जिसका समय बुरा चल रहा है उसके लिए उपाय करना चाहते हैं तो उसके ऊपर से उतार लें, और नहीं तो अपने घर में धन की आवक बढ़ाना चाहते हैं तो घर के मुखिया पर से इसे 7 बार उतार कर किसी भी भैंसे को जाकर के खिला दें और खिलाने के बाद अपने घर वापस आ जाएं और पीछे मुड़कर बिल्कुल भी न देखें, वरना आपकी बुरी किस्मत आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ेगी, हमेशा आपके पीछे ही पीछे रहेगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए दे मेरा धन्यवाद और कमेंट बॉक्स में लिखते रहें जय बजरंगबली, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली अवश्य लिखें, क्योंकि हम हर रोज लाते रहते हैं आप ही के लिए ऐसे ही जबरदस्त वीडियोज जिनसे आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और जी सकते हैं एक सुखमय जीवन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। हमें दें इजाजत, धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय बजरंगबली।